अगर आप चाहते हैं कि बड़े शहर में आपका आशियाना हो तो इसके लिए आपको अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस बात का खुलासा आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक महानगरों में 4 साल में घर खरीदना सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। देश के बड़े शहरों में अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना भी एक आशियाना हो तो इसके लिए फिलहाल आपको ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 4 सालों में हिंदुस्तान में घर खरीदना पहले से महंगा हुआ है। ये रिपोर्ट कुल 13 शहरों के सर्वे पर आधारित है जिसमें 4 साल के आंकड़े लिए गए। घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों को और थोड़ी अपनी जेबें ढीली करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आरबीआई की ताजा रिपोर्ट की माने तो पिछले 4 साल में घर खरीदना और भी ज्यादा महंगा हुआ है। 4 महानगरों की बात की जाए तो मुंबई में घर खरीदना सबसे महंगा है, दूसरे पर चेन्नई और तीसरे नंबर पर दिल्ली जो है वो जा पहुंची है। ये हाल तब है जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में लगातार मंदी कालम है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। अगर दिल्ली की बात करें तो ये सर्वे सिर्फ दिल्ली को लेकर ही किया गया है, इसमें एनसीआर का इलाका शामिल नहीं। दिल्ली शहर में जमीन की कमी की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने को सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहाँ पर तो बल्कि करेक्शन आया, प्राइस कम हुआ है, पर अगर हम पर्टिकुलर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ धीरे धीरे डिमांड बढ़ी है और ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि स्पेकुलेशन नहीं हो रही है, तो हम लोग जैसे इसी ट्रेड में डील करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो लोग एंड यूजर्स आते हैं, इन्वेस्टर मार्केट में नहीं है। और जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली हो रही है, जिस तरीके से कुछ साल पहले स्पेकुलेशन होती थी, आर्टिफिशियल क्रिएट की जाती थी स्पेकुलेशन, तो वो चीज़ अभी नहीं है। प्रॉपर्टी के रेट के मामले में मुंबई हमेशा से आगे रही है। यहाँ घर खरीदने से लेकर दफ्तर तक खरीदना या फिर किराए पर लेना देश के दूसरे शहरों से काफी महंगा है, लेकिन माया नगरी में फिर भी भीड़ कम नहीं होती। लोगों के सपनों को यहाँ पंख लगते हैं, उनकी काबिलियत की यहाँ सबसे ज्यादा कीमत मिलती है, इसलिए मुंबई शहर को अपना आशियाना बनाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से प्रॉपर्टी की मांग भी तेज रफ्तार से ऊपर चढ़ रही है। नोटबंदी के बाद गायब है कुछ जो लोगों के अंदर एक डर है कि बेनामी संपत्ति का गवर्नमेंट कभी भी कानून ला सकती है, उसकी वजह से भी लोग गायब है। तो अभी जो सेल परचेज हो रही है, जो भी ट्रेडिंग हो रही है, उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली एंड यूजर्स हैं जिनको अपना घर लेना है या घर अपग्रेड करना है या एक्सपेंशन करनी है, उसी तरीके के ज़्यादा लोग हैं। जो इन्वेस्टर्स थे जो प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे और कुछ टाइम बाद उसको बेचा करते थे, उस तरह के लोग काफ़ी कम हो गए हैं। आरबीआई ने ये सर्वे पिछले 4 साल के आंकड़ों के आधार पर किया है। आंकड़ों का आधार शहर में प्रॉपर्टी की कीमत और वहां के आम लोगों की आय का अनुपात है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 13 शहरों में घर की कीमत और यहां के लोगों की आमदनी में बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2015 में घर की कीमत और लोगों की आमदनी का प्रतिशत 56.1 था, जबकि मार्च 2009 में ये बढ़कर 61.5% हो गया। मुंबई में घर की कीमत और लोगों की आय का अनुपात 4 साल पहले 64.1% था, जो अब 74.4% हो गया है। यानी आमदनी की तुलना में मकान की कीमत करीब 1/3 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में लोग मकान खरीदें तो कैसे। वहीं दिल्ली में ये अनुपात 4 साल में बढ़कर 58.5% तक पहुँच चुका है। चेन्नई में ये 58.6% है, तो कोलकाता में 56.5% तक ये पहुंच चुका है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर देश में फिलहाल मकान खरीदने के लिहाज से सबसे सस्ता शहर है। रिजर्व बैंक जुलाई 2010 से तिमाही आधार पर 13 शहरों में चुनिंदा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए आवास ऋण पर आवासीय संपत्ति मूल्य निगरानी सर्वे कर रहा है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो यहां प्रॉपर्टी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के महंगे शहरों में मुंबई 4th नंबर पर भी रह चुकी है। हाल के विश्व रैंकिंग में मुंबई 7th नंबर पर है। हाल ही में अमेरिका के मैनहट्टन में एक प्रॉपर्टी को $10,000 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचा गया, जिसकी अगर रुपयों में तुलना की जाए तो तकरीबन 6,50,000 रुपए बैठती। इसके अलावा आमतौर पर सबसे महंगी प्रॉपर्टी के रूप में मोनाको को माना जाता है। तकरीबन 4,20,000 रुपए स्क्वायर फीट यहाँ पे संपत्ति बिकती है। इसके बाद लंदन शहर का नंबर आता है, 2,40,000 प्रति स्क्वायर फीट के लिहाज से यहाँ पे प्रॉपर्टी का रेट है।
तीसरे नंबर पर हांगकांग है, जहां 1,77,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रॉपर्टी मिलती है। हाल के विश्व रैंकिंग में मुंबई 7वें नंबर पर है। वहीं दिल्ली के कई पॉश इलाके भी प्रॉपर्टी की ऊंची कीमत की वजह से वर्ल्ड रैंकिंग में शुमार होते हैं। से दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में कुछ वक्त से ये जरूर कहा जा रहा था कि प्रॉपर्टी के रेट में कमी आई है, लेकिन पिछले 4 साल की अगर बात की जाए तो पूरे देश में दिल्ली जो है वो घर की महंगाई के मामले में तीसरे नंबर पर आ गई है। ऐसे में जो लोग घर का सपना देख रहे हैं दिल्ली में, उनके लिए जो है थोड़ी मुश्किल भरा जो है वो कहा जा सकता है। तो पहले जिस तरीके से देखा करते थे, यहाँ हर मंथ हर वीक अलग रेट होता था, उस तरीके की वो स्पेकुलेशन ही थी जी। अभी जो काम हो रहा है वो एक ग्रेजुअली इंक्रीज होना, तो मुझे लगता है पॉजिटिव ही थॉट है। थोड़ा 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 प्राइस बढ़ रहा है, तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है प्राइस का। पर अगर MNCR की बात करते हैं तो प्राइस कम हुआ है। अगर हम गुड़गांव नोएडा की बात करते हैं तो बिल्डर्स जो है वहाँ उन लोगों ने प्राइस को कम किया है, जो उनका 4 साल पहले प्राइस था उसके कंपेरेटिवली आज 20-30% सस्ता बेच रहे हैं, पर अभी भी अनसोल्ड इन्वेंट्री काफ़ी है उनके पास। विशेषज्ञों की माने तो भारत में नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी की कीमत नेचुरल ढंग से बढ़ रही है। अब जानबूझकर इसमें उछाल लाने वाले गोरख धंधे पर लगाम लग चुकी है, इसी वजह से कीमत पिछले 4 साल से बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।